आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी माँ आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विक्की जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात 9 बजे मेरी और करण की काम से एक साथ में ही छुट्टी हुई, तो हम दोनों अपनी साइकिल लेकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। दरअसल मैं और करण एक ही गांव के हैं और हम दोनों गांव के बाहर एक ही किराने की दुकान में काम करते हैं। ठंड का मौसम होने के कारण दूर दूर तक हमें कोई दिख नहीं रहा था। हवा इतनी ठंडी और तेज थी कि हम अपनी आंखें ठीक से खोल तक नहीं पा रहे थे। चांद की मध्यम रोशनी और बैटरी टॉर्च के सहारे हम साइकिल चलाकर धीरे धीरे घर की तरफ आगे बढ़े जा रहे थे। गांव जाते वक्त हमें एक ऐसा भी रास्ता पार करना पड़ता था जहां लोग रात में जाने से भी कतराते थे। खैर, रोज आना जाना करने के कारण हमें उस रास्ते पर कुछ भी अजीब नहीं लगता था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि करण बोला, यार आज ठंड कुछ ज़्यादा नहीं है? जिस पर मैंने कहा, हाँ यार आज ठंड बहुत ज़्यादा है। चलते चलते अब हम दोनों उसी रास्ते पर आ पहुँचे जिसके बारे में हमने ढेर सारी अफवाहें सुन रखी थी। वो एक कच्चा रास्ता था जिस वजह से उस पूरे रास्ते पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। बस हमारी बैटरी टॉर्च ही एकमात्र सहारा थी। यूं तो चांद की रोशनी से भी थोड़ा बहुत दिख ही रहा था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरे कान में एक साथ ही बहुत से बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगी। ये सुनते ही हमने एकदम से अपनी साइकिल रोक दी और करण से पूछते हुए कहा, रुक रुक, तुझे कोई आवाज़ आ रही है? तो करण बोला, हाँ यार आवाज़ तो आ रही है, लगता है कोई रो रहा है। फिर जैसे ही हमने उस आवाज़ पर थोड़ा गौर किया तो पता चला कि ये आवाज़ें रास्ते के किनारे बने उस कुएं से आ रही है। मगर ये तो मुमकिन ही नहीं था, आखिर कुएं के अंदर से किसकी आवाज़ होगी? ये पता करने के लिए मैं और करण साइकिल को साइड में लगाकर उस कुएं की ओर बढ़ने लगे। फिर उस कुएं के पास पहुंचकर हमने नीचे टॉर्च मारा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल उस सूखे कुएं में एकदम नीचे ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे थे और उनके साथ एक बहुत ही भयानक सी दिखने वाली बुढ़िया थी। अभी हम उसे देख ही रहे थे कि उस बुढ़िया ने कुएं के नीचे से ही अपना लंबा हाथ बढ़ाकर करण का गला पकड़ लिया और उसे कुएं में खींच लिया। ये देखकर मैं एकदम से पीछे हट गया और बिना कुछ सोचे समझे साइकिल उठाकर घर की ओर दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर मैंने सबको पूरी बात बताई, साथ ही करण के भी घर वालों को। और फिर मेरे घर वाले और करण के घर वाले हम सभी उसी कुएं के पास पहुंचे तो पाया कि करण उस कुएं के पास में ही गिरा पड़ा है। फिर जब उसे होश आया तो उसने बताया कि दरअसल उस डायन ने उसके शरीर का आधा खून पी लिया है। पहले तो हमें करण की ये सारी बातें बेकार लग रही थीं, मगर फिर उसके बाद से करण की तबीयत खराब रहने लगी। लाख डॉक्टरों और ओझाओं के दिखाने के बावजूद भी उसके शरीर में कोई फर्क नहीं हो रहा था। और फिर कुछ ही दिनों में करण की मौत हो गई। इस घटना के बाद से अब ना तो मैं उस रास्ते में जाता हूँ और ना ही गांव का कोई आदमी। तो दोस्तों, ये थी विक्की जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।